हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड आज है डी डे, आज है हाइड्रा का दी ग्राइंड का मैच, जिसके लिए 3 दिन से लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम सब एक टेम्पररी स्पेस में है, बूट कैंप में, जहाँ पे सारे प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड मैं अपना सेटअप लेकर आया हूँ, जो कि आपको दिखाता हूँ। मैं दिखा नहीं रहा था, इतने दिन से मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला। ये देखो, ये दो मॉनिटर मेरे को यहाँ पे आके मिले हैं, ट्रिनिटी वालों ने दिए हैं। एंड ये पीसी मेरा बूट कैंप वाला, जो मैं लेकर आया हूँ, अपना माइक, हेडफोन सब लेकर आया हूँ। एंड गाइस, आज हैंड कैम करना है, तो हमने वो मंगाए हैं ट्राईपोर्ट स्टैंड, जो कि मैं सेटअप कर दूंगा। एंड ये हमारे प्यारे प्यारे कुक भाई ने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट पर लाके दिया है। मैं रेडी हो चुका हूँ, अभी 9 बज रहे हैं। ये है ग्रीन टी, यू नो आई एम डाइटिंग। या झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और ये सैंडविच है, थोड़े बहुत मैंने अपना बेड भी बना लिया। देखो कितना साफ सुथरा लग रहा है ना गाइस, वो उसको छोटे से इग्नोर किया जाएंगे दोस्तों। सो यस, एंड अभी चलते हैं सामने वाले रूम में, कौन कौन जगह है, नई जगह आपको दिखाते हैं। आज का मैच हम लोग कवरेज करेंगे। उठ जा, उठ जा, एक्टिंग कर रहा है। ये देखा गाइस, हमारे असॉल्टर, जिसको कल एक शूट मिला, एमवीपी बनना है इनको। अरे उठ जा बे, दो दिन जिम गया पता है ये दो दिन फुल जूस में जिम, फिर रात में चीज मैगी। कितने दिन जिम गया ड्रीम्स? गए एक हफ्ते में। घंटा मेरा एक हफ्ते गए, तीन दिन गए हो बस, तीन दिन एक नए जिम में। तो देखो गाइस, जो अपना आईजीएली सुबह उठता है, इनको देखो असॉल्टर को। ये देखो गाइस, ब्यूटीफुल चेहरा गाइस देखो। अबे ये दिखाना एक बार, अबे चेहरा दिखा, कुछ और नहीं दिखा दिखाना एक बार स्प्रे कर। देखो भाई, डोरा उठ चुका है, उसका बेड खाली है। ये भाई साहब देखो, अबे यार स्प्रे कर यार, दिस इज वेरी। ये देखो भाई, अबे यार वो ही छुपाता रहता है। अबे ट्राईपॉड आ गया, लगा ले no. अभी लगा लेगा रुक, ला के देता एक उधर, वो मेरे रूम में बैठेगा। Amazon से प्राइम ले रखा है ना मैंने, जलवा है हमारा वो Amazon बेसिक है। मेरा वाला अलग है, मेरा तो पर्सनल है ना, वो थोड़ा वैसा वाला है, महंगा है। ठीक ही है भाई, फोन ट्राईपॉड ही है, ये बेड पे रख लेंगे दोनों ऊपर ऊपर। तू मेरा वाला लगा लेना, लंबा स्टैंड है, वो मेरा वाला हो जाता पूरा टेढ़ा वेढ़ा। दो क्यों मंगवाए, तीन मंगवाते ना, लिमिट थी दो की। और एक मेरा है ना, और एक मेरे पीसी पे बैठ जाएगा। मतलब पीसी पे बैठना नहीं है, वो बेड पे बैठेगा, कैमरा एडजस्ट हो जाएगा। हैंड कैम में तो दिखाना है, ऐसे भी चार बंदे एक रूम में नहीं खेल पाएंगे। फेवरेट फेवरेट लेडी आमद को इमोशन, वो होगा ना वैसे लंबा बेड पे रखने के लिए। तो तीनों खोल दिए तूने? हाँ भाई, अभी ये वाला नहीं खोला है, लास्ट वाला तूने तीनों खोल दिए। हाँ अब ठीक है, हरीश को बेड पे रखना बेस्ट, अपने एंगल पे एडजस्ट करके पीठ पे। हाँ ऐसे भी हो जाएगा, लंगड़ा है क्या? अबे एक और, तूने एक खोला नहीं है ना पूरा, सब एक मेरे को दे दे। ले डोरा ले ले। हाँ ये भी तो खींचता है, ठीक है। उसमें वो लगाना है, वो होल्डर, वो भी पूरा घूम जाता है वैसे। नहीं भाई स्प्रे गॉड लगा ले अपने हिसाब से, बेड पे रख लेना उसको, वो लगा। इनको ट्राईपॉड वगैरह दे दिया है, मैं अपना ग्रीन टी बना लेता हूँ दोस्तों। ये देखो गाइस, ये ग्रीन पत्ती ये गई पानी में, छपा ग्रीन पत्ती पानी में गई, छपा ग्रीन पत्ती पानी में गई, छपा। कला तीन बार ही बोला बे, ये क्या लगता है गाइस कैसी होगी ग्रीन टी, और ये कौन सी है कोई बता पाएगा तो मान जाऊंगा। अभी मैं थोड़ी देर में लाइव जाने वाला हूँ गाइस, थोड़ी देर स्ट्रीम कर लूंगा, तब तक वो लोग अपना पेट्स खेलेंगे। एंड जब मैच होगा तो फिर तब हम लोग अपनी उससे पहले स्ट्रीम बंद कर लेंगे, एंड फिर उनका सब सेटअप वेटअप करवा के देखेंगे। एक बंदा यहाँ बैठ मेरे बेड पे ड्रीम्स, और बाकी सारे अपने अपने रूम में। सो देखता हूँ, वैसे हमारा शेफ बहुत अच्छा बनाता है, एक नंबर सैंडविच, देखते ही अच्छा लग रहा होगा। ओनली वेजीज है तो मैं ठूस लेता हूँ, बाद में मिलता है। लोग जस्ट लाइव जा चुके हैं आज के दिन। ये देखो चैट पे सिर्फ ड्रैगन स्पैम चल रहा है, कुछ बच्चे हैं छोटे छोटे दूध पीने वाले, जो कि इतनी सुबह उठ गए, वैसे सुबह नहीं है दोपहर हो रही है। दिखाना भाई जरा स्पैम करके गाइस, उनको व्लॉग में लूंगा भाई। हां करना स्पैम जरा, तुम्हारी भैंस की है। ये देखो अबे थोड़ा स्पीड में करो बे। हां 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 जी है बात, जे बात। हाँ अब आवाज गई है गाइस, अब थोड़ा स्पैमिंग चल रही है। अरे 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 आज चैट पे भी यही चलने वाला है। तो चलो गाइस, हम लोग जल्दी से बस 2 घंटे स्ट्रीम कर लेते हैं, फिर हमें थोड़ा सा काम भी है। ऑल सेट गाइस, यहाँ पे ये ड्रीम्स खेलेगा, वो उसका हैंड कैम वहाँ पे हो गया है। हाँ भाई असॉल्टर, अबे तो तू हंसने क्यों लगता है, थोड़ा तेरा हो गया सेट। अरे ये देखो ये डोरा का हैंड कैम है गाइस, जुगाड़ किया इसमें, वो फोन ज्यादा बात भी। अभी तो गेम स्टार्ट नहीं हुआ, क्या कर रहा है ये? देख रहा हूँ यहाँ, देखो लोगों ने भाई
अपने प्रोफाइल पे मैप लगा रखा कि यहाँ कूदेंगे। अच्छा क्या बात कर रहा दिखा What the fuck? अरे भाई एक बंदे ने अपनी प्रोफाइल फोटो के मैप लगा रखा कि जहाँ वो कूदेगा। क्या लगाया? नो वो THW वाला। तूने तूने फोन एंगल चेक किया? लगा तो सही एक बार। अबे लगा उसको पहले। कैसी हो गई भाई? तो वैसे भी जस्ट मैच स्टार्ट हो गया है सो मैं भी खोलूंगा नहीं। दरवाजा बंद कर देना। हाँ नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ उस वाले रूम में रहूँगा। यहाँ पे एक बंदा रहेगा बाकी तीन यहाँ खेल रहे हैं। ये क्या है? देखते पहला मैच कैसे होता है। मैं यहाँ बैठूंगा गाइस। देखते गाइस पहला मैच कैसे होता है। एक्सपेक्टिंग की कुछ बढ़िया हो। बहुत ज़्यादा नेट इशूज़ आ रहे हैं अभी। जैसा कि आप मेरे स्ट्रीम पर देख रहे थे क्लैश ऑफ क्लैंस उसका पूरा रुक गया था। उसका भी रुक गया था जबकि दो वाईफाई लगा रखे हैं अपने अलग अलग। दो बंदे दो वाईफाई पे खेलेंगे इसलिए टोटली बहुत दिक्कत आ रही थी। अभी ठीक हुआ है। वो देखो उसका हैंडपम्प सेटअप उसका हैंडपम्प और मैं थोड़ा सा लेटा हूँ अभी यहाँ पे धीरे धीरे बोल रहा हूँ। पहले गेम गाइस 7 पॉइंट आए। अभी इधर तो मैच चल ही रहा है बट इनका मैच ऑलरेडी खत्म हो गया है। 31,000 पीपल आर वॉचिंग। अभी हमारी टीम कहाँ दिख रही है वो देखो एकदम ऊपर से रोटेट कर रही है। थोड़ा सा ही गलती कर दिया इन्होंने। दो को नॉक किया एंड उसको फिनिश कर रहे थे। अभी तीसरे बंदे ने ऐसा अंधा घुसा दिया और उसने दो को कुचल दिया जबकि इनको शौक निकालना था। थोड़ी सी गलती होगी बट कोई ना। 7 किल्स निकाले 7 पॉइंट्स है। इनको नेक्स्ट दोनों मैच अच्छे निकालने पड़ेंगे तो कुछ बात बनेगी। लेट्स सी कैसे निकालते हैं नेक्स्ट दो मैच। कोई बात नहीं अभी थोड़ा खराब गया तो गया। थोड़ा खराब नहीं 7 पॉइंट से और बड़ा गेम निकल सकता था गाइस। 15 पॉइंट से आउट कोई नहीं। चिकन था वरना ये तो उसने अच्छा किया। ये चिकन था ज्यादा। पूरा जोन के बाहर से रोटेट किया है ना। हां पूरा उल्टा रोटेशन दिया पूरा ब्रिज के उस साइड जोन के बाहर। फातिन के पास से ना। हां फाइनल कैसे पलटेगी जान कुछ कर रहे हैं। कितने बंदे थे वो? ज्यादा नहीं लग रहे। 4 है गए थे। हां ये भाग गए। हम लोग आगे मारे। तुमने अंधा घुस रहे तुम अंधा घुस रहे थे इन पे। नहीं पूरा राइट से निकल के मतलब अंधा नहीं घुस रहे थे ऐसा इन्फो लेके जा रहे थे बट मतलब तुम जोन से बाहर आके स्लैम कर दिया ऐसा। ये हां जोन के बाहर आके तो अंदर स्लैम किया। यहां पर हम राइट साइड से आते हैं लोग भाग गए। किलो हमको इजी मार सकते हैं। जिस साइड से लोग हुआ ना अगर डेड है मेरे को भी लगा डेड। यूजी टीम का बंदा वो कवर जा राइट से चढ़ गया। वो तो अबे 4 एएम वाली क्या टीम थी भाई। ये हमको उसी टाइम मार सकती थी। इनके कितना लोग है यार मेरे को ये देखना है। नेड से 4 एएम उछल गया वो। हाँ भाई उछल गया उछल गया। अबे उसी के बंदे ने नॉक दिया और ये लोग भी भाग गए। अभी देखना भाग जाएंगे ये लोग। अच्छा ये तुम्हें नॉक देकर भाग गए। हाँ हम फंसे हुए थे पूरा भाई। ये को नॉक दिया। अरे ऑफिशियल में मैक्सिमम टीम की फटी रहती है इसी का तो फायदा उठाते हैं बाकी लोग। ये देखो जोन फिर से कहाँ गया है। यहाँ से भाई साहब वो तुम वहाँ हो। हम यहाँ थे फिर ऐसा जोन गया फिर वहाँ से घूम के अब यहाँ नीचे गया। हाँ भाई पूरा बूट कैंप ही खाली है भैंस किया। बूट कैंप खाली तारे। अबे फिर भी चल बूट कैंप जाते तो भी अरे गेम पर पर ब्रो ये तुम्हें थोड़ी पता था कि बूट कैंप खाली है। तुम तो अपने इंटेल पे खेले ना। दो बंदे हम बंद गेट पे। ये देख 4 एएम वाले भाग गए वो सीधा डाल दिया इन्होंने बूट कैंप के पास सेंटर। कहाँ पे ठोक के मारा इनको? रिज पे मारा है मतलब रिज फाइट थी कंपाउंड फाइट। वो बेहतर कवर फायर जिसकी अपेक्षा वो कर रहे थे। अच्छा एज पे ले लो यहाँ से अपन ये लेंगे यहाँ से अपन ये लेंगे इनको भी इनका भी एक दो इनको भी वाइप कर देंगे यानी टीम को भी पूरा वाइप कर देंगे फिर लास्ट में टीम के बंदे से एक दो को दो फुट गया। ये तो बहुत इजी चीज है। 4v2 फॉर एयर किस्मत तो बहुत थी।
तीनों गेम उन पे जोर करता है अच्छा भी हां भाई बोल रहा बहुत अच्छी है ये तो बढ़िया तो गाइस तीन मैच ओवर हो चुके हैं एंड ओवरऑल हम #4 पे इस ग्रुप में और 26 पॉइंट्स है जो कि बिलो एवरेज है थोड़ा क्योंकि ओवरऑल जो पॉइंट्स जाएंगे वो 60-65 का कट ऑफ जाएगा तो इस वीक अगर थोड़ा 40-45 के आसपास पॉइंट्स आ जाते हैं 35 प्लस तो नेक्स्ट वीक थोड़ा ईज रहता अभी ये है नेक्स्ट वीक थोड़ा 40 प्लस पॉइंट्स निकालने होंगे आज जैसा कि मैंने इनसे बात की तो तीनों गेम कन्वर्टेबल थे पहला गेम भी बहुत अच्छा खेला था मतलब ऐसा था कि एकदम लास्ट जोन पहुंचने के बाद थोड़ी बहुत गलतियां हुई है ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही चोक्स हुए हैं ना माइनर चोक्स हुए वो भी एकदम फाइनल सर्कल में जाने के बाद दो नॉक देने के बाद तो वो बोले कि इस बार थोड़ा सा हो गया अगली बार निकाल लेंगे लॉबी ईजी है वो मार सकते हैं बहुत अच्छा किल्स निकाले हैं किल्स के ही पॉइंट सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं इन पे तो यस अभी देखते हैं नेक्स्ट वीक कैसे जाता है जब तक ओवरऑल पॉइंट्स टेबल नहीं आता तब तक हम क्या बोल सकते हैं बट ऐसा है कि थोड़ा सा बिलो एवरेज था पॉइंट्स हमारे आज के पहला मैच भी दूसरा मैच भी एवरेज था तीसरा मैच एकदम कन्वर्टेबल नहीं था बहुत दूर थे जोन से आप मैप स्ट्रीम जिसने देखा होगा उसको पता होगा रोटेट करके अच्छा निकाला लास्ट में वही एक नेट से दो फूट गया वो भी थोड़ी सी गलती थी तो यस अभी के लिए इतना ही आज के लिए हम ये व्लॉग एंड कर रहे हैं क्योंकि अब मैं जाऊंगा आपको पता है मैच खत्म हो चुका है थोड़ी देर रेस्ट करूंगा फिर रात में अपनी स्ट्रीम करनी होगी तो स्ट्रीम करूंगा नहीं तो कल करेंगे एंड ये व्लॉग आपको देखने को मिल जाएगा सो कमेंट में बताना हमको कैसा लगा नेक्स्ट वीक का आप वेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो एंड आई होप और ऊपर आएगी थैंक यू फॉर जॉइनिंग आई होप यू गाइस लाइक एंड एंजॉयड सब्सक्राइब कर देना बाय बाय।